महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले कांग्रेसियों ने फतेहपुर प्रखंड सचिवालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। कार्यक्रम में नाला कुंडहित और फतेहपुर के कांग्रेसी शामिल हुए। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जलालुद्दीन अंसारी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष पंकज झा थे। श्री झा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी केंद्र सरकार की देन है, केंद्र सरकार युवा और जन विरोधी सरकार है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता धनराज किस्कू, गणेश चंद्र मित्रा, ऋतुपति पंडित, राजेंद्र घोष, इशाद अंसारी आदि शामिल थे। मौके पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक स्मारक पत्र वीडियो को सौंपा गया। जामताड़ा से आरपी भारत के लिए गौतम की रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर के माध्यम से 7 सूत्री मांग पत्र हमने दिए हैं राष्ट्रपति महोदय को। डीजल पेट्रोल की कीमतों को अविलंब कम किया जाए, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, रसोई गैस का मूल्य कम किया जाए, खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर कम किया जाए, तीनों किसी काला कानून को अविलंब वापस लिया जाए, पेंगास जासूसी कांड को उच्च न्यायालय के देखरेख में जांच किया जाए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, ये हमारी मांग राष्ट्रपति महोदय को किया जा रहा है और अविलंब इस पर जैसे उचित कार्रवाई हो, ये राष्ट्रपति महोदय से हमारे नम्र निवेदन होंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।